हे गाइस, क्या हाल चाल। इस वीडियो पर रियलमी ओप्पो थीम्स का ये 5 मिनट ट्रेल फिक्स करने का दूसरा एक तरीका बताऊंगा। कुछ दिन पहले हमने इस टॉपिक पर एक वीडियो डाले थे, लेकिन उस वीडियो पर जो मेथड आपको बताया था वो सिर्फ एंड्रॉइड 13 तक ही काम करते हैं। इसलिए मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ जिस पर मैं आपको एक दूसरा मेथड बताऊंगा जो सभी मेथड का बाप है, क्योंकि ये एंड्रॉइड 11, 12, 13, 14 सब पर काम करेगा। ना तो आपका फोन रूटेड होना पड़ेगा, ना ही आपको किसी कंप्यूटर्स की जरूरत होगा। आपको बस वीडियो को एंड तक देखना है, और देखने के बाद अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि इस टाइप की वीडियोस बनाने में काफी मेहनत लगता है। और चैनल को भी आप चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो शुरू करने से पहले ही बता दूं, जितने भी प्रोसेस इस वीडियो पर आपको दिखाऊंगा, ये देख के आपको लग सकता है भाई ये तो बहुत ही कठिन है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन ट्रस्ट मी भाई, पहली बार आपको ये कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन 2-3 बार अगर आप इसे करके प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। मतलब सारे प्रोसेस को अगर स्टेप बाय स्टेप आपने समझ लिया एक बार, देन आपको कभी भी मेरा ये वीडियो दोबारा देखना नहीं पड़ेगा। ऑलराइट, इस वीडियो को हम टोटल 3 पार्ट पर डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट पर आपको कुछ सेटिंग्स बताऊंगा जो आपको अपने फोन के अंदर करना है। सेकंड पार्ट पर आपको 2 एप्स बताऊंगा जिन्हें इंस्टॉल करना है। देन थर्ड यानी लास्ट पार्ट पर आपको जो प्रोसेस है वो मैं दिखाऊंगा। बेसिकली आपको 2 अलग अलग सेटिंग करना है, तो उसके लिए सेटिंग पैनल पर आना है। देन जाना है वाईफाई के अंदर, और आपका फोन वाईफाई के साथ कनेक्ट कर लेना है। मेरे घर पर वाईफाई है इसलिए ये कनेक्ट हो गया। अगर आपके घर पर वाईफाई नहीं है तो आप किसी दोस्त के एंड्रॉइड फोन से हॉटस्पॉट लेके भी वाईफाई पर कनेक्ट हो सकते हो। मोबाइल डेटा से काम नहीं होगा, आपका फोन जो कि है वाईफाई से ही कनेक्टेड होना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा सेटिंग जो आपको करना है वो है आपके फोन के अंदर जो डेवलपर मोड है उसको इनेबल करना है। आपको जाना है सेटिंग पैनल के अबाउट डिवाइस के अंदर, उसके बाद वर्जंस, देन ये जो बिल्ड नंबर है इधर आपको 7 से 8 बार प्रेस करना है। देन लॉक स्क्रीन का पासवर्ड आपको डालना है, और आपका जो डेवलपर मोड है दोस्तों वो इनेबल हो जाएगा। अभी डेवलपर मोड एक्सेस करने के लिए आपको जाना है एडिशनल सेटिंग पर, थोड़ा ही नीचे आपको डेवलपर ऑप्शन मिल जाएगा, उसके अंदर आइए। अभी इधर आपको कुछ सेटिंग्स करना है, तो आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। यूएसबी डिबगिंग का एक ऑप्शन आपको मिल जाता है, इसको पहले ऑन कर देना है। ओके, देन वायरलेस डिबगिंग का भी एक ऑप्शन है, इसको भी इनेबल कर लेना है, और इस चेक बॉक्स पर चेक करके अलाउ कर देना है। अभी आपको जाना है डेवलपर ऑप्शन पेज का एकदम नीचे, नीचे जाके आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा डिसेबल परमिशन मॉनिटरिंग। आपको इसको इनेबल नहीं करना है, बस आपको ध्यान में रखना है ये ऑफ होना चाहिए। अगर आपके डिवाइस पर ये ऑन है तो आपको इसको ऑफ कर देना है, ठीक है। पार्ट 2 पर जैसे आपको बताया 2 ऐप इंस्टॉल करना है। पहला ऐप आपको प्ले स्टोर पर ही मिल जाएगा जिसका नाम है शिजुकू, तो आपको प्ले स्टोर पर आके शिजुकू सर्च करना है, और ये जो ऐप है इसको इंस्टॉल कर लेना है। सेकेंड ऐप का नाम है भाई कैंटा। इस ऐप आपको प्ले स्टोर पर नहीं मिलेगा, आपको बेसिकली गूगल क्रोम पर आके सर्च करना है कैंटा एपीके। ये लिख के सर्च करते ही काफी सारे वेब पेज आएगा, तो आपका जो पहला वेबसाइट है उसके अंदर आइए। इस वेब पेज पर आके आपको थोड़ा स्क्रॉल करना है, आपको इधर प्रेस नहीं करना है डाउनलोड एप ड्रॉइड, ठीक है, इस पर आपको प्रेस नहीं करना है। और थोड़ा नीचे जाके आपको डाउनलोड एपीके का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर प्रेस करना है, और ये जो कैंटा ऐप है दोस्तों वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आप इस पर टैप करके इंस्टॉल भी कर लीजिए। ओके, अभी शुरू होता है हमारा मेन प्रोसेस। सबसे पहले तो भाई आपको किसी भी एक थीम अप्लाई कर लेना है जिसका भी 5 मिनट ट्रेल आप फिक्स करने चाह रहे हो, और ये मेथड किसी भी थीम के साथ काम करेगा, चाहे वो मेरे बनाया हुआ कोई थीम हो या फिर कोई थीम स्टोर का थीम। आपको बस थीम को अप्लाई कर लेना है। अभी आपको जाना है शिजुकू ऐप के अंदर, देन इधर आपको एक सेक्शन मिलेगा स्टार्ट विया वायरलेस डिबगिंग। इस सेक्शन के नीचे पेयरिंग का एक बटन आपको मिलेगा, इस पर टैप करना है। देन आपको इस डेवलपर ऑप्शन पर टैप करना है, और ये आपके फोन का जो डेवलपर ऑप्शन है उस पर रिडायरेक्ट कर देगा। अभी आपको थोड़ा नीचे जाके जो ये वायरलेस डिबगिंग ऑप्शन है इसके अंदर जाना है। इधर एक चीज आप ध्यान से देखना, आपको इधर प्रेस नहीं करना है, जो टेक्स्ट है वायरलेस डिबगिंग इस पर आपको टैप करना है, तो ये नया पेज ओपन हो जाएगा, और इधर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको टैप करना है सेकेंड ऑप्शन पर, यानी पेयर डिवाइस विद पेयरिंग कोड। देन आप देख पाओगे शिजुकू की तरफ से एक नोटिफिकेशन आएगा, देन आपको इस इंटर पेयरिंग कोड पर टैप करना है, और ये जो कोड है दोस्तों वो आपको इधर डालना है। आपके फोन पर अलग एक कोड आएगा, तो जो भी इधर शो होगा वो आपको इधर डालना है, ठीक है। तो मैं इधर डाल के इस एंटर बटन पर प्रेस कर देता हूँ, तो आप देख सकते हो पेयरिंग सक्सेसफुल लिखा आया। अभी आपको बैक जाना है शिजुकू ऐप के अंदर, शिजुकू के होम स्क्रीन पर आइए, देन पेयरिंग के नीचे जो स्टार्ट बटन है इस पर आपको टैप करना है। स्टार्ट पर टैप करते ही दोस्तों ये शिजुकू स्टार्ट हो जाना चाहिए, लेकिन अभी भी इधर नहीं हो रहा है, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको स्टार्ट पर टैप करके जाना है डेवलपर ऑप्शन पर, देन थोड़ा ही नीचे जो वायरलेस डिबगिंग ऑप्शन है इसको आपको ऑफ कर देना है,
और रिवोक यूएसबी डिबगिंग ऑथोराइजेशन इस पर टैप करके रिवोक कर देना है। देन अगेन वायरलेस डिबगिंग को ऑन करना है, अलाउ करना है और शिजुको ऐप के अंदर जाके अगेन पेयरिंग बटन पर टैप करना है। देन डेवलपर ऑप्शन, मतलब थोड़ी देर पहले ही हमने जो प्रोसेस फॉलो किया था उसको अगेन करना है। वायरलेस डिबगिंग, पेयर विद कोड, देन इस कोड को डालना है। अगर आपका लक अच्छा है तो आपको ये प्रोसेस दोबारा नहीं करना पड़ेगा, पहला बार ही कनेक्ट हो जा सकता है। तो मैंने फिर से ओटीपी डाल के इधर जो कि शिजुको को कनेक्ट कर लिया। अभी ऐप पर बैक आके मैं जब स्टार्ट बटन पर टैप करूंगा तो आप देखो दोस्तों जो स्टार्ट प्रोसेस है वो हो गया है। इधर आपको 2-3 सेकंड वेट करना है और शिजुको आपके डिवाइस पर रन हो जाएगा। वेल, शिजुको कनेक्ट होने के बाद अभी आपको जाना है हमारा सेकेंड ऐप यानी कांटा ऐप के अंदर। ये ऐप थोड़ा बहुत लोडिंग करता है तो आपको इधर 1-2 मिनट वेट करना है। ऐप्स लोड होने के बाद आपको इधर एक सर्च बार देखने को मिलेगा, इस पर टैप करना है और सर्च करना है थीम स्टोर। तो इधर थीम स्टोर आ जाएगा, इस चेक बॉक्स पर आपको चेक कर देना है। देन बैक जाइए और इधर आपको एक डिलीट आइकॉन देखने को मिल रहा होगा, इस पर टैप करना है। देन ओके। देन इधर दोस्तों शिजुको परमिशन एडीबी इज लिमिटेड, ये एक प्रॉब्लम आ रहा है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको फोन का जो डेवलपर ऑप्शन है उसके अंदर अगेन जाना है और एकदम लास्ट पर जो ऑप्शन मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग पर बताया ऑफ रहना चाहिए, उस ऑप्शन को अभी आपको ऑन करना है, यानी डिसेबल परमिशन मॉनिटरिंग, इस ऑप्शन को अभी आपको ऑन करना है, ठीक है। और अगेन कांटा ऐप पर जाना है, देन आपको डिलीट आइकन पर टैप करना है, ओके। अभी इधर शिजुको ऐप से एक परमिशन मांगेगा, अलाउ ऑल द टाइम आपको कर देना है और नीचे नोटिफिकेशन आएगा अनइंस्टॉल कंप्लीट, मतलब आपका जो थीम स्टोर था भाई वो अभी अनइंस्टॉल हो चुका है। अगर मैं सर्च करता हूँ तो आप देख सकते हो कोई भी थीम स्टोर अभी मेरे फोन के अंदर नहीं है। तो अभी आप लोग समझ सकते हो अगर थीम स्टोर ही नहीं रहेगा तो कोई 5 मिनट ट्रेल एरर भी नहीं आएगा। अभी जितने भी टाइम आप चाहे तो इस थीम को यूज कर सकते हो, कोई भी तरह इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा। ओके, अभी दिखाता हूँ कैसे आप थीम स्टोर को अगेन इंस्टॉल कर सकते हो, क्योंकि भाई एक थीम तो आप जिंदगी भर नहीं यूज करोगे। जब भी आपको थीम चेंज करना हो तो आपको थीम स्टोर की जरूरत पड़ेगा, तो उसके लिए आपको दोस्तों कांटा ऐप के अंदर आना है। तो इस ऐप लिस्ट के बाद ही आपको यह एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आना है और जितने भी ऐप्स आपने डिसेबल करके रखा है सिस्टम ऐप्स वो इधर आपको देखने को मिलेगा। तो इनमें से com.oplus.themestore या फिर com.hetapp.themestore ये जो ऑप्शन है इस पर आपको सिलेक्ट करना है। देन इस आइकन पर टैप करना है और आपका जो थीम स्टोर है भाई वो अगेन फोन के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। ये था आज का वीडियो, अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो भाई वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।